हाय फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी जैन फ्रॉम इस्कॉन प्राइमरा हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो जाना जाता है अपने हाई राइज होलिस्टिक लिविंग स्पेसेस के बारे में। जब भी हम प्लान करते हैं एक नया घर बाय करने का, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, वो आता है जो लोकेशन हो वो एक प्राइम लोकेशन पे हो, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो एंड अप्रोचेबल रहे हर जगह के लिए। तो जी हाँ, जो आपकी सोच है वो हमारे प्रोजेक्ट पे फुलफिल होती है इस्कॉन प्राइमरा, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है वो बैंग ऑन PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कनेक्टेड है, जो 3 states को कनेक्ट करती है, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल। इसी के साथ 5 किलोमीटर के रेडियंस में आपके सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ईटिंग हब, आपके हॉस्पिटल सारे नियर बाय है। वी आर प्रोवाइडिंग 4-tier सिक्योरिटी, जिसमें आपके 4 entry एंड एग्जिट गेट रहेंगे, आपकी कैमरा इंस्टॉल रहेगा, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन रहेगा, आपके फायर स्प्रिंकल्स लगे हैं एंड कैमरा इंस्टॉल रहेगा पूरी सोसाइटी में। तो अब हम चलते हैं अपने सैम्पल फ्लैट में। हम आपको लेकर आए हैं हमारे 2250 स्क्वायर फीट के सैम्पल फ्लैट में। तो यही आपको फिनिशिंग दी जाएगी, ऐसा ही डोर, वुडन डोर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी जो हाइट रहेगी वो 8 feet रहेगी एंड इसकी जो विड्थ है वो 4 feet रहेगी। अब हम चलते हैं अंदर। एंटर करते ही ये हमारा बहुत ही स्पेशियस एंट्री फॉयर है, 8.5x6.5 का। इसके एडजॉइनिंग ही हमारा ड्रॉइंग कम डाइनिंग है, 24x14 का। आप देख सकते हैं कितना ह्यूज स्पेस है एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे आप इजीली अपना 10-seater सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कितना ज़्यादा मूवेबल स्पेस आपको मिल रहा है। ये हमारा LED पैनल यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं आप। उसी के साथ हमने आपकी वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए एक विंडो आपको प्रोवाइड की है। वाइड बालकनी है 17 feet की। इसके ये जो अटैच रहेगी आपके ड्राइंग कम डाइनिंग के साथ एंड गेस्ट रूम के साथ कनेक्टेड बालकनी है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपका स्पेस यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं। कोई क्वालिटी टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना पूजा रूम या क्रॉकरी पैनल इजीली आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा बहुत ही स्पेशियस डाइनिंग एरिया है, 6-7 seater आप चेयर्स के साथ इसको क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके एडजॉइनिंग ही हमारा किचन एरिया है। ये हमारा किचन स्पेस है, 12x13 की किचन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस। ये आपका फ्रिज के लिए स्पेस है, यहाँ पे ये जो स्पेस है आप इसको ब्रेकफास्ट टेबल के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। एज इट इज़ हम आपको मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये आपकी चिमनी के लिए स्पेस है। इसी के साथ हमारा एक सिंक सिर्फ अंदर आएगा वेजिटेबल वॉशिंग का। ये हमारा वेजी वॉशिंग का एक जो सिंक है वो हम अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कैबिनेट आप क्रिएट कर सकते हैं। हम एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं किचन का, वेट एंड ड्राई कॉन्सेप्ट में। ये सिर्फ आपका कुकिंग सेक्शन है, आपका वेट एरिया हमने यूटिलिटी बालकनी में शिफ्ट कर दिया है। अब हम एंटर कर गए हैं हमारे वेट एरिया में। यहाँ पर हम आपको 2 double sink प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा डिश वॉशर रहेगा, आप देख सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा मशीन के लिए स्पेस है। आप ये देख रहे हैं 4 feet की कंक्रीट की वॉल है, ताकि आपकी प्राइवेसी भी खराब ना हो। इसको हम आप UPVC के साथ कवर भी कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशियस एंड आपका लाइफस्टाइल एनहांस करने के लिए हम ये कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं मार्केट से। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये हमारा मास्टर बेडरूम है 11x15 का। आप देख सकते हैं किंग साइज बेड प्लेस करने के बाद भी ये कितना एरिया आपका बच जाता है, इसको आप एज अ सिटिंग यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा स्टोर रूम रहेगा 7x5 का। LED स्पेस हम आपको दे रहे हैं, प्रोविज़न दे रहे हैं AC का। इसी के साथ हमारा ड्रेसिंग एरिया है, फुल लेंथ ड्रेसिंग एरिया हम आपको दे रहे हैं विद स्लाइडर डोर्स, आप देख सकते हैं क्वालिटी। एंड ये है हमारा वॉशरूम, इसमें हम आपको एंटीस्किड टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे आपकी ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी। आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड की जा रही है, फुल लेंथ आपकी टाइल रहेगी एंड बेदिंग एरिया आपका सेपरेट है विद ग्लास पार्टीशन। इसी रूम के साथ हम आपको एक प्राइवेट बालकनी दे रहे हैं।
अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। एंटर होने से पहले ही हमारा वॉशरूम आ गया। यही स्पेस, यही फिटिंग आपको एक्चुअल फ्लैट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो रूम है 11x14 का रहेगा। यहाँ पे हम आपको कबर्ड स्पेस दे रहे हैं, फुल लेंथ हाइट रहेगी एंड स्लाइडर डोर्स रहेंगे। इसी के साथ आपकी वेंटिलेशन का ध्यान रखने के लिए हम विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये जो स्पेस रहेगा ये आपके LED के लिए रहेगा। एंड इस रूम के साथ भी हम एक सेपरेट बालकनी आपको दे रहे हैं, आप देख सकते हैं 6 फीट वाइड रहेगी। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। ये एक अलग कॉन्सेप्ट में हम लेकर आ रहे हैं। ये हमारा एंट्री फॉर के साथ ही स्टार्ट हो जाता है हमारा गेस्ट रूम। ये आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखने के लिए हमने क्रिएट किया है। अब हम आ गए हैं अपने थर्ड बेडरूम में। आप देख सकते हैं 11x14 का स्पेशियस बेडरूम है। ये जो स्पेस है आप सिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके एंट्री फॉर के साथ एंटर करते ही रूम है, तो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। एज अ स्टडी रूम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ ऑफिस स्पेस भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अटैच्ड वॉशरूम है, आप देख सकते हैं। सारी ब्रांडेड फिटिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। इसी के साथ हमारा स्पेस आ गया। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे सर्वेंट रूम की तरफ। ये प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हमने सेपरेट सर्वेंट रूम आपको दे रहे हैं विद अटैच्ड वॉशरूम, आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ अपने कंपनी बैकग्राउंड के बारे में। मालवा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा फर्म नेम है। इससे पहले ऑलरेडी हम एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं हमारा अंबाला हाईवे पे इस्कॉन अरीना नाम से। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है इस्कॉन प्राइमरा। 19 acres की टाउनशिप है, हम इसको फेजेस में लॉन्च कर रहे हैं। फेज़ वन में हम 9 towers लेकर आ रहे हैं आपके 1550 square feet, 2250 square feet एंड 1305 square feet का 2 BHK। हम एक ह्यूज स्पेस आपको क्लब हाउस का प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपका इस्कॉन कल्चर के नाम से जाना जाएगा। इसमें सारी अमेनिटीज़ आपकी रहेंगी। 180 to 200 people की गैदरिंग के साथ आपका बैंक्वेट हॉल रहेगा, मिनी थिएटर रहेगा, आपका टेबल टेनिस रहेगा, पूल टेनिस रहेगा, कैफेटेरिया एरिया है। इसके अलावा हमारा जो 3+1 का सैम्पल फ्लैट है वो भी हमने क्लब हाउस में रेडी किया है, सो दैट हम आपको ही हैंड ओवर कर दें एज अ गेस्ट रूम। कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम पर्सनली आपको विजिट करवाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवर चैनल।